तो राम चाहते थे कि सीता जी वन में ना जाए, अयोध्या में रहें। तो वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीता वन का जीवन जो होता है बहुत कठिन होता है, और वहां पर क्या है, ना तो भोजन मिलता है ठीक से और ना रहने का कोई स्थान होता है, और बहुत अधिक कठिनाइयां आएंगी कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, तुम कैसे वहां पर रह सकती हो, तुम वहां पर कैसे अपना जीवन बिताओगी। तो सीता जी होती है कोई उत्तर नहीं देती, मुस्कुरा देती है। उन्हें पता था कि राम अपने वचन से पलट नहीं सकते, तो राम बन जा रहे हैं। ये समाचार पूरे नगर में फैल जाता है। तो नगरवासी हैं वो दशरथ और कैकेयी को बहुत बुरा भला कहते हैं, धिक्कारते हैं। कुछ देर पहले जहाँ तक जो सब की तैयारियां चल रही थी, वहां पर क्या होता है, मातम का माहौल छा जाता है। सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं, सड़कें गीली हो जाती है लोगों के आंसुओं से, लोग रोने लगते हैं। उन्हें राम इतने अधिक पसंद थे अब 14 साल के लिए, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो कैसे रहेंगे रामचंद्र जी के बिना। तो राम और सीता, वो कहते हैं राम और सीता बन ना जाए, सबकी ऐसी इच्छा थी, वो उनको रोकना चाहते थे, लेकिन वो सब क्या होते हैं, बेबस होते हैं, नहीं कर पाते ऐसा। तो राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे और उनको बहुत अधिक दर्द हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कैसे विदा करेंगे रामचंद्र जी को। तीनों जो रानियां थी वो भी वहीं पे थी, मंत्री आसपास थे, मंत्री और रानी केकई के को अब भी समझा रहे थे कि वो अपना जो बच्चन है उसको वापस ले लें, वो जो उन्होंने वरदान मांगे हैं वो ना मांगे। तो क्या हुआ, फिर सब लोग कह रहे थे केकई से कि तुमने जो कहा है, इस तरह का वरदान मांगा है, वो ठीक नहीं है। तो रामचंद्र जी ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ, वह उठकर बैठ गए। तो जैसे ही रामचंद्र जी कक्ष में आते हैं तो दशरथ जी क्या होते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ। तो वो कहते हैं, मैंने जो वचन दे दिया उनको तो मैं उसको पीछे नहीं हट सकता उस वचन से, तो मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, यह मेरी विवशता है, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे बंदी बना लो और तुम क्या करो, राज संभालो, ये राज सिंहासन तुम्हारा है और केवल तुम्हारा है। तो पिता के वचनों ने राम को झिझोड़ दिया, वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। तो वो क्या कहते हैं, जो दशरथ होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो मैंने वचन दिया था उससे मैं पीछे नहीं हट सकता था, तो मैं तो अपना जो वचन निभाया है मैंने, तो मैं तुम्हारा क्या हूँ, गुनहगार हूँ, तुम मुझे ऐसा करो, बंदी बना लो और राजकाज है तुम संभाल लो। तो जो रामचंद्र जी होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं मुझे राज का कोई लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए और मुझे विदा कीजिए। तो विदाई का दुख था वो सहना कठिन है, तो इससे वो कहते हैं इसलिए ऐसा मत करिए आप, तो वैसे ही बहुत दुख है, तकलीफें हैं, तो आप और दुखी मत होइए और मुझको आशीर्वाद दीजिए बस। तो इस बीच रानी केकई ने राम लक्ष्मण और सीता को बलकल वस्त्र दिए और राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए। तो जो जंगल में पहनने के लिए वस्त्र थे वो दिए उन्होंने, पत्ते वगैरह के जो वस्त्र होते हैं वो दिए, और जो उन्होंने राजसी वस्त्र थे वो उतार दिए, और तपस्वियों के जो वस्त्र थे वो पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। तो महर्षि वशिष्ठ थे, अब भी शांत थे, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उन्होंने कहा, सीता बन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे, तो भरत सोनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होगा। तो जो महर्षि वशिष्ठ थे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था ये देखकर कि रामचंद्र जी जो जा रहे हैं वन को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं होगा तो भरत क्या करेंगे, यहाँ पे जो राजगद्दी संभालेंगे, और ना तो पशु होगा ना पक्षी होगा, कोई नहीं होगा, सब चलेंगे साथ में। तो एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी, आगे आगे राम चले, उनके पीछे पीछे सीता जा रही थी और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जा रहे थे। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र जो थे वो रथ लेकर खड़े हुए थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ को तेज चलाए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े तो राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे बहुत ज्यादा, सबकी आंखों में आंसू थे, पुरुष थे, महिलाएं थी, बूढ़े बच्चे जवान सभी उनके पीछे भागने लगे। तो राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी हुए, उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हांकने को कहा, बहुत तेज चलाने के लिए कहा, ताकि लोग क्या करें, हार जाएं और थककर पीछे रह जाएं और घर को लौट जाएं। तो राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजर गड़ाए देखे जा रहे थे, उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी, रामचंद्र जी को इस तरह जाते हुए देखना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो क्या हुआ, वो जब तक खड़े रहे जब तक कि रामचंद्र जी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, और जैसे ही उनको दिखना बंद हुए रामचंद्र जी, वैसे ही वो धरती पर गिर गए। और फिर क्या हुआ, जो कंसा नदी थी वहां के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वनवासियों ने क्या किया, रात वहीं बिताई और अगली सुबह वो दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तो गोमती नदी पार करके राम और सीता लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे तो महाराज दशरथ के राज्य सीमा की वो वहीं पर समाप्त होती थी। जो राजा दशरथ की सीमा थी वहां पर समाप्त हो जाती थी जो सई नदी थी।
तो राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। तो इस तरह क्या हुआ, रामचंद्र चले गए। तो शाम होते होते वो गंगा के किनारे पहुंच गए थे। निषाद राज गुरु ने उनका स्वागत किया और वन क्षेत्र आ चुका था, ये वनवासी हो गए थे तीनों। और क्या हुआ था, फिर जो सुबह हुई तो महामंत्री को उन्होंने समझा बुझा कर भेज दिया और उसके बाद जो और लोग थे सब अयोध्या वापस लौट आए। तो जो सुमंत्र का खाली रथ था वो अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसको घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे तो सुमंत्र जो थे वो बिना कुछ बोले सीधे राजभवन में चले गए। तो राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन थे बहुत ज्यादा, सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वह कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। सुमंत्र की जो आंखें थी वो आंसू से डूबी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तो जो सुमंत्र थे उनको पता था कि राजा दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा और वो बहुत अधिक बेचैन थे, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो राजा दशरथ है उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो रामचंद्र जी हैं, वो वन में कैसे रहेंगे। तो जो वन चले गए थे रामचंद्र जी, उसके 6ठे दिन क्या हुआ, राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई। तो राम का जो वियोग था वो सह नहीं पाए, 6ठे दिन में ही उनकी मौत हो गई। तो दूसरे दिन क्या होता है, जो वशिष्ठ होते हैं, महर्षि वशिष्ठ होते हैं, मंत्री परिषद से चर्चा करते हैं कि जो राजगद्दी है वो खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो राजा दशरथ था उनकी तो डेथ हो चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है रामचंद्र जी के वियोग में। तो तय होता है कि जो भरत है उनको बुलाया जाए अयोध्या, क्योंकि वो अपनी ननिहाल में थे। तो जो घुड़सवार दूत होते हैं वो रवाना होते हैं, उनको निर्देश दिया जाता है कि जो कोई भी घटना हुई है अयोध्या में उसके संबंध में उनको मौन रहना है, कुछ भी नहीं बताना है। तो जो दूत होते हैं वो चले जाते हैं भरत को लेने के लिए और यहीं पर हमारा जो चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो केकई ने वरदान मांगे थे तो उनके वरदानों को क्या होता है, रामचंद्र जी पूरा करते हैं और बन चले जाते हैं। तो बच्चों आप इस कहानी को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।